दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें इस समय ओल्ड रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हैं और यहां पर एक मेडिकल स्टोर वाले के साथ मारपीट हो गई है। काफ़ी ज़्यादा मारपीट करी गई और कुछ आशरारती तत्व आए थे रात को, उनका ऐसा बताना है, जिनके द्वारा मारपीट करी गई है। क्या कारण है, यहाँ पर स्टोर संचालक है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों मार दिया गया। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हिमांशु है। आपके साथ मारपीट हो गई? हाँ, कल रात को हुई थी मैडम 9 बजे। कैसे, कौन लोग थे वो लोग? वो मैडम 5 से 7 जने थे और मैं किसी को भी नहीं जानता उनमें से कौन थे, क्या था, क्यों मारपीटी करी, कुछ भी नहीं पता मेरे को इस बारे में। बस आते मारपीटी कर रहे थे। आए थे कुछ सामान मांगा मेडिकल स्टोर? कुछ नहीं मांगा मैडम, मैं बस अपनी कुर्सी पे बैठा था। बैठ के एक संग एक ने मेरा कान पकड़ा, बाल पकड़े और 3-4 एक साथ मारना चालू कर। मारते टाइम कुछ कह रहे थे आपसे, कोई बातचीत, कोई कुछ कहा हो? मैडम अलग अलग 5-7 थे, कोई कह रहा कॉल करता है, कोई कह रहा मैसेज, कोई कह रहा कंप्यूटर उठा, कोई कह रहा हाथ पकड़, कोई कह रहा अंगूठी उठा। अच्छा, कहीं आपको लग रहा है लूटपाट के? वो मैडम जहाँ तक है 101% लूटपाट के लिए आए थे, क्योंकि इस रोड पे आए दिन वारदात होती है। आए दिन एक महीने का आप रिकॉर्ड चेक कर लो कितनी वारदात हुई है लूटपाट की। वो इसी फ्राक में आए थे क्योंकि बेसिकली अभी मेरी सगाई भी हुई है और अगले महीने शादी भी है। अच्छा। तो अब गोल्ड की मैंने अंगूठी वगैरह पहन रखी थी जो, मतलब कहीं ना कहीं से उनकी, उन लोगों की आप पे नज़र थी? उन लोगों की नज़र थी, उन्होंने मौका देख के, रोड खाली देख के वो मेरे पे हावी हो गए थे। और मेरी अंगूठी तो हाथ में उन लोगों के था, कोई डंडा या कोई? मैडम मैं कुछ भी नहीं देख पाया, बस उन्होंने इतना मौका नहीं दिया कि मैं खड़ा हो जाऊँ। उन्होंने मेरा कंप्यूटर तक तोड़ दिया था, फेंक के मारा और मेरी उंगली खींच रहे थे अंगूठी वाली, वो तो उनसे खींची नहीं गई, ये उंगली तोड़ दी। जब आपके साथ मारपीट हुई तब तो मार्केट चल रही होगी, दुकान में काफी लोग होंगे आसपास? नहीं मैडम, कल संडे था तो कल कितना क्राउड नहीं था मार्केट में, कल थोड़ा खाली रोड था। और दूसरी बात, फिर कल बारिश भी थी तो उन्होंने आते ही सबने मेरे पे हमला किया था। उन्होंने वो लोग क्या ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी उन्होंने? कुछ देखा नहीं मैंने उनको। आपने देखा ही नहीं, मारपीट करी तो आपको? मैडम उन्होंने इतना मौका नहीं दिया मेरे को कि जैसे मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों मार रहे हो, क्या बात है, आते ही मतलब धड़पड़ मारने लगे। आते ही मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। अच्छा। मैंने उनको पूछा कि मतलब इन्होंने इतना मौका नहीं दिया कि मैं उनसे खड़ा होकर पूछ लूँ कि भाई क्यों मार रहे हो। जैसे खड़ा होता हूँ ऐसे बाल पकड़ के फिर मारना चालू कर, काउंटर भी पलटा उन्होंने मेरा था, कंप्यूटर फेंक के मारे तोड़। और लोग भी थे आपके साथ? नहीं मैडम कोई भी नहीं था, बस ये लड़का था, कभी कभी आता है लड़का बैठ, इसको भी मारना चाहता लेकिन ये अंदर थोड़ा खिसक गया था, ये अंदर चला गया था। तो कुछ उनके हाथ में कोई चीज जिससे वार किया हो? हाथों से ही वार किया? मैडम मैं देख भी नहीं पाया उन्होंने किससे वार किया, क्या क्या, बस वो मारने पे लगे होते इतना पता है। मैंने कैमरे में देखा तो सारे हाथों से मारे। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? मैडम चोट एक मेरे उन्होंने कमर में वैसे अंदर मुक्के वगैरह मारे, थप्पड़ मारे कई, काफी लोग मारा है। और उंगली उन्होंने मेरी पकड़ के मोड़ दी जिसमें अंदर से खींच गई है, मांस हल्का फट गया। मारपीट करने के बाद वो लोग फिर यहाँ से चले गए? चले नहीं गए मैडम, मारपीट करने के बाद में गाली ग्लोच करके गए गंदी गंदी और फिर बोल के गए देख लेंगे तुझ कम बाद में। अच्छा, लूटपाट नहीं कर पाए तो इसलिए बोल के गए कि देख लेंगे वो? मैडम इस पल्ले को खोल के ना अंदर आना चाह रहे थे, मैंने पल्ला नहीं बरवा, हाँ मैंने पल्ला नहीं खोलने दिया उनको क्योंकि वो अंदर आ रहे थे, मैंने खोलने नहीं दिया तो उन्होंने कंप्यूटर फेंक के मारा, ये उंगली वगैरह सारे तोड़ने चालू कर दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी कि लूटपाट कर ले, लेकिन आपने अपनी दुकान बचा ली? हाँ, वो इसीलिए थे लूटपाट करने चक्कर में, फिर हमने बचा लिया जिसकी वजह से मेरी थोड़ी मारपीट चालू कर दी उन्होंने और यही सब हुआ था। इस ये लड़ाई होने के बाद, मारपीट होने के बाद आपने डायल 112 को कब सूचना दी? मैडम 1 से 2 मिनट बाद दे दी और 10 मिनट के अंदर वो आ गए थे और मुझे लेके भी गए थे। वो आपको लेके कहाँ, पुलिस स्टेशन लेके गए? गोल चक्कर थाने में गए थे, उसके बाद में फिर मुझे बीके ले गए, बीके से MLR करा के एक्सरे वगैरह कराया, फिर अंदर ही थोड़ी चोट लगी थी, फिर गोल चक्कर थाने में ले गए, फिर उन्होंने बोला कि आप चले जाओ सुबह देखते हैं। तब से लेके अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? सुबह रात की वारदात है ये, रात से लेके सुबह तक? देखो मैडम कार्रवाई, वो सुबह आए भी थे पुलिस वाले, दो तीन आए थे शायद, उन्होंने अपनी जो उनकी तहकीकात होती है ड्राइंग बनाई, दुकान के नक्शा वगैरह बनाया, नाम लिखे जो उनका होता है, सारा कुछ करा, पूरा सर्टिफाइड करके गए थे कि इनमें से अगर हमें एक बंदा ही मिल जाएगा हम सबको अपना आप खींच लेंगे। हमसे बोला था कि आप एक बंदा कैसे भी करके अगर दिखता है तो तुरंत बता देना। मतलब उनका कहना है कि पुलिस वेरिफिकेशन में पूरे आपके सपोर्ट में है? देखो अभी तक तो पूरे सपोर्ट में, जहाँ तक करके गए हैं अभी तक पूरा सपोर्ट करके गए हैं कि उन्होंने यही बोला है कि अगर आपको कोई व्हीकल दिखता है कि किस व्हीकल पे उसका नंबर दे दो तो हम अपना आप खींच लेंगे। वो किसी व्हीकल से आए थे क्या? मैडम जहाँ तक मेरे कैमरे लग रहे हैं हमारे, वहाँ तक तो कोई व्हीकल दिखा नहीं। अच्छा, वो सीधा भाग गए थे? मतलब डायरेक्टली आपकी दुकान में ही आए वो? सीधा मैडम उन्होंने हमारे मेरे पर ही हमला करा, मैं बैठा था अपना पेपर वर्क कर रहा था बैठ के, तो उन्होंने सीधा आते ही मेरे पे हमला करा, कान पकड़ के उसको देख लेंगे ये है। मैंने कहा भाई कोई बात, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई बात हो उसको तो बताओ, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अगर किसी से कोई बात होती है दवाई गलत तो बात भी है, कुछ नहीं बताया, आते मारा था, मार रहा। लोग तो आप बता रहे 4-5 जने? मैडम मैं तो 5-6 देख पाया, पता नहीं कितने।
जैसा कि देख सकते हैं तमाम यहाँ के जो मेडिकल स्टोर के बगल में और भी लोग हैं, मार्केट में बहुत सारे दुकान संचालक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वारदात को वैसे कह रहे हैं किसी ने देखा नहीं, क्योंकि कल के समय बारिश ज़्यादा थी जिस वजह से मार्केट जल्दी बंद कर ली गई थी। और लोग हैं, यहीं रहते हैं आप, यहीं आपकी दुकान है? मेरा जब इसका साथ कांड हुआ मैं था नहीं। आप लोग नहीं थे? आप लोग यहीं थे? आपने देखा कुछ? मैं तो आज बिहार से आया हूँ। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता इस वारदात के बारे में? जैसा कि आपको एक बार फिर बता दूं, ये ओल्ड रेलवे स्टेशन का जो प्रवेश द्वार है उसके सामने मेडिकल स्टोर है, वहां पर मेडिकल संचालक के साथ मारपीट हुई है और अभी कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या हो रही है, ऑपरेशन है, देखते हैं जांच पड़ताल में कौन कौन लोग थे, किनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया है। उस कड़ी से भी जोड़ूंगी। फरीदाबाद न्यूज़ से गुंजन नायक, नमस्कार।